हाय दोस्तों, फरिंस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बांगड़ा फिश करी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बनाते हैं बांगड़ा फिश करी। मैंने लिए है बांगड़ा फिश, इसको दो पीस में कट करके लिया है। अच्छे से धो के साफ करके उसमें डालेंगे नमक और हल्दी। नमक और हल्दी को फिश के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए हम साइड में रख देंगे। फिश करी के लिए हम मसाला बनाएंगे। अब एक मिक्सर का बर्तन लेंगे, गीला नारियल डालेंगे हम इसमें स्लाइस करके, प्याज डालेंगे, टमाटर, कश्मीरी मिर्च है ये मैंने भिगो के रखा था एक घंटा, मिर्च निकाल के डाल देंगे इसमें, हरा धनिया डालेंगे और जो मिर्च भिगोया हुआ पानी है वो डालेंगे, ताज़ा कड़ी पत्ते के पत्ते डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। हो गया हमारा मसाला पीस कर। अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल। जो फिश को हमने हल्दी और नमक लगा के रखा था वो इसमें हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, बस 2 मिनट के लिए ही करना है ताकि जो फिश की कच्ची स्मेल होती है वो निकल जाए। सारी फिश इसमें डाल के हलके हलके हाथों से हम आलट पलट लेंगे। सिर्फ 2 मिनट तक ही हमें इसे फ्राई करना है, ज़्यादा करोगे तो फिश हमारी टूट जाएंगी। निकाल लेंगे हम फिश को बाउल में, एक सारी फिश निकाल लेंगे हम। वही तेल में हम डालेंगे राई, अक्की, कड़ी पत्ता, और अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक हमें इसे भूनना है तेल में। भून गया है अदरक लहसुन अच्छे से हमारा। अब डालेंगे इसमें हम पीसा हुआ मसाला। पूरा मसाला हमें इसमें डाल देना है और इसे भी अच्छे से हमें भूनना है। हाई फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से भूनना है ताकि जो हमने सारे कच्चे मसाले लिए थे वो अच्छे से भून जाए। अब डालेंगे इसमें सूखे मसाले, धनिया पाउडर डाल देंगे, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, नमक अपने हिसाब से डालिए, हमने फिश में भी डाला था, हल्दी डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे और कांदा मसाला। इन सारे सूखे मसालों को भी हमें अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनते रहना है हमें मसालों को। मसाले को तेल छूटने तक हमें इसे भूनना है। ढक के रख देंगे हम इसे 5 मिनट तेल छूटने तक। चलिए देखते हैं मसाला अच्छे से भुना या नहीं। देखिए कितने अच्छे से तेल छूट गया है मसाले को। अब इसमें हम डालेंगे कोकम, जो मैंने एक घंटा पानी में भिगो के रखा था। अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप इमली भिगो के भी डाल सकते हो या नींबू का रस भी डाल सकते हो। अब डालेंगे इसमें हम पानी। आपको ग्रेवी जितनी पतली चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे ढक के रख देंगे हम एक उबाल आने तक।
आ गया ग्रेवी में अच्छे से एक उबाल। अब जो हमने बांगड़ा फिश हाफ फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे। और इसमें हल्का सा एक चम्मच चलाएंगे, हमें इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है वरना फिश हमारी टूट जाएंगी। फिर से एक उबाल आने देंगे फिश करी में हम अच्छे से। आ गया एक उबाल, फिश करी हमारी खाने के लिए रेडी है। अब इसे हम सर्व करेंगे। कर दिया हमने सर्व। आप चाहो तो इसे राइस के साथ खाइए या राइस की रोटी के साथ खाइए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।